है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और मैं हूँ ये आ गया हमारी ट्रेन, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला, ऐसे हाल में कोई अगर हाईवे पे गाड़ी चलाए तो क्या हाल हो? हमारे भाई प्रवीण भाई बड़े परेशान थे, ट्रेन मिले राहुल भाई। इस ट्रेन का वॉशरूम स्लीपर में तो ऐसा ही है, देख लो पीढ़ी वगैरह पी रहे थे लोग। हेलो, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं रोहित और मैं आज जा रहा हूँ ट्रेन से, दिल्ली कैंट से हमारी ट्रेन है जो कि जाएगी दिल्ली से बीकानेर, लेकिन बीकानेर से भी आगे तक का हमारा ये सफ़र है पूरा। नोखा तक हमें जाना है, बीकानेर उतर के हमें एक कनेक्टेड ट्रेन है वो लेनी है और वहाँ से अपनी ट्रेन लेके फिर हम निकलेंगे नोखा और पूरा जितना भी सेलिब्रेशन होगा न्यू ईयर का सारा आपको दिखाएंगे। तो इस सीरीज़ को एपिसोड 1 से और एपिसोड लास्ट तक पूरी देखना और अच्छी लगे तो कमेंट भी करना। तो अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और जो ट्रेन है ट्रेन की सारी जानकारी, ट्रेन नंबर, टाइम, प्राइस सब कुछ बताऊंगा। तो पहले स्टेशन चलते हैं और वहीं मिलते हैं आपसे। भाई साहब भीड़ देख रहे हो कितनी खतरनाक लग रही है। और अपन पहुँच गए अभी दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, मेन एंट्रेंस से नहीं जाएंगे हम, बाहर की बाहर जाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। पीछे देखो, ये है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। हम जा रहे हैं आगे क्योंकि हमारा जो कोच है वो लास्ट में ही है और हम चल रहे हैं देखो ऐसे। ये पंकज भाई और मैं हूँ। तो आगे चलते हैं, अभी तो B5 B2 वगैरह लगे, हमारा है S स्लीपर। तो चलते हैं वहाँ, बाकी ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, बोर्ड वगैरह तो सही है वैसे, बढ़िया स्टेशन देख लो। चलो फिर आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो भाई ये आ गई हमारी ट्रेन P7, इसका लोकोमोटिव है और गाजियाबाद इसका वो है क्या बोलते हैं अपना शेड, और हमारी ट्रेन ये है बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो अपना जो कोच है वो है S2, ये तो जनरल है, होगा AC टाइप का ही क्योंकि जनरल टाइप ही लगा लो जो नॉर्मल वाली होती है। बाकी हमारे जो बंदे हैं वो 3rd AC में है, कुछ हमारे जो साथ के दोस्त हैं वो चढ़े सराय रोहिला से, तो अभी अपना S2 कोच आएगा उसमें फिर बैठते हैं। राजस्थान का जितनी भी है ना मतलब ट्रेन है जो, तो बाहर से ऐसी दिखेंगी आपको येलो वाली, ये जो पुराने वाले इनके जो डब्बे होते थे ना कोच होते थे वही यही है, और नए वाले नहीं दिखेंगे ज़्यादातर क्योंकि जितना ही मैंने ट्रेवल किया है ना उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो बाकी यही ट्रेन है, चलते हैं पहले ट्रेन के अंदर। ये है हमारा S2 कोच, तो चढ़ते हैं इसमें और दिखाते हैं आपको। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चलो चलो। तो भाई अभी एक भाई मिल गया हमें, चलते हैं ट्रेन के अंदर। और ये दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, ये हमारा S2, चलते अंदर। अट्ठावन साठ तुम्हारी 16। तो भाई ये है अपनी कोच, अपनी सीट 5860 हमारी नीचे वाली, एक इधर मिडल वाली, इनकी है 16 उधर लास्ट। ये अभिषेक भाई। तो सामान रखते हैं पहले और फिर दिखाते हैं आपको। ट्रेन हमारी चल चुकी है और अगर देख रहे हो पूरा स्टेशन अब हो चुका है सुनसान, पीछे तक देखो पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा है और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से बीकानेर तक। देखो भाई ये अब मेन जो स्टेशन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 ये अब आएगा आपका, ये यहाँ से थोड़ा सा बड़ा लगता है, इधर फुट ओवर ब्रिज भी है। तो स्टेशन मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टेशन की मतलब साफ़ सफाई है स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा, और अब हो चुका है खाली पूरा क्योंकि समय हो चुका है 23:58, मतलब वही मान लो 12 बज चुके हैं पूरे के पूरे। तो बैठते हैं ट्रेन के अंदर और ट्रेन के अंदर के दिखाते हैं आपको, तब तक वीडियो को एंड तक देखो, लो थोड़े से मज़े। ये आ गया गुड़गांव और ये है 3rd स्टेशन, पहला सराय रोहिला उसके बाद दिल्ली कैंट और फिर गुड़गांव। अभी तो फोग हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, क्या ही दिखाऊंगा, कुछ दिखेगा भी नहीं आपको। तो अगले स्टेशन पे ये नहीं तो सुबह ही दिखाऊंगा, तो और बाकी अंदर की चीज़ें दिखाना। बाकी ये अपनी ट्रेन है देख लो भाई, ये नाम लिखा बीकानेर दिल्ली सराय रोहिला जोधपुर S2। सो ये पूरी ट्रेन, अभी ट्रेन हमारी यहाँ रुकी है, सिग्नल नहीं मिला हुआ और फोग देखो कितनी है, कुछ नहीं दिख रहा। अब बताओ ऐसे हाल में कोई अगर हाईवे पे गाड़ी चलाए तो क्या हाल हो?
गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी है इधर, इधर तो फिर भी कम दिख रहा, उस साइड पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, उस साइड तो नहीं दिखेगा, नहीं अंधेरा उस साइड तो ज़्यादा। भाई साहब खतरनाक मौसम हो रखा है देखो, अभी तो मेरे ख्याल से ये होगी हरियाणा में एंट्री मारी अभी तो ना। तो भाई ये हमारे पंकज भाई, तो हमारे भाई प्रवीण भाई बड़े परेशान थे, ये मिले राहुल भाई, रोहित भाई, और इन्होंने देखो ट्रेन की टिकट बुक कराई और आज हम कितने खुश हैं आप देख सकते हैं। आज हम देखो सारे साथ है, इधर हमारे साथ है भाई अभिषेक और कर रहे हैं टाइम पास, यही मजा होता है भाई। बोल दो अरे बोल दो से आगे भेजो दोस्तों को, शेयर करो, शेयर शेयर तो आता है ना, शेयर करो भाई। तो भाई वीडियो को शेयर करा करो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, आपका सहयोग है तो तभी चलेंगे। तो चलो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई ये आया हमारा रेवाड़ी रेलवे स्टेशन और पूरा इधर भी फोग हो रखा है, इधर 2 मिनट का स्टॉपेज है और स्टेशन तो क्या ही दिखाऊं, क्योंकि फोग इतना हो रहा है कि अभी आपको कुछ इसमें दिखेगा ही नहीं। तो अगले स्टेशन पे मिलते हैं, तब तक अंदर का दिखाता हूं आपको। ये है इस ट्रेन का वॉशरूम, और वॉशरूम मैं दिखा दूं तो नॉर्मल सा ही है, ज़्यादा वो नहीं है। बाकी हाँ जो अपना थर्ड एसी सेकेंड एसी होता है ना, अंदर से थोड़ा अलग कर रखा है, शीशा लगा है, ये है नॉर्मल है, ये देख रहे हो ना अपने थर्ड एसी में कैसा होता है सिस्टम, वो हटाने वाला ये है, सिगरेट विगरेट पड़ी है भाई, स्लीपर में तो ऐसा ही होता है देख लो, क्योंकि इसमें ना तो कुछ है अपना कि स्मोक डिटेक्टर लगाओ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ये अपना है ही ठीक है, दिखाई ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, फिर कहोगे क्या दिखा दिया, खिड़की दे रखे हवा निकलने के लिए, अभी पीढ़ी वगैरह फिरे थे लोग बाग यहाँ, बाकी ये दे रखा है अपना हाथ वात धोने के लिए, डब्बा इधर पड़ा है, डस्टबिन इधर पड़ा है। और अगर लुक देखें अंदर की तो भाई साहब लुक इन्होंने थोड़ी सी अलग ही बना रखी है, ठीक है, ये अलग ही डिज़ाइन कर रखा है, नहीं तो ऐसा हमने मतलब थर्ड एसी में तो ऐसा मिला ही नहीं कभी। बाकी ये नॉर्मल है, हिंदी जो अपना होता है इंडियन स्टाइल, ये वो है, और लाइट लगी है बंद है, ये वाली जल रखी है ऊपर वाली, नॉर्मल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ठीक है, ज़्यादा वाह नहीं कर सकते। जो दूसरा है ना इसका, दूसरे वाला जो है इंग्लिश पोर्ट है, वो मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा है, तो भाई स्लीपर क्लास की ऐसा ही होता है। और इस क्योंकि इस ट्रेन की जो टिकट है ना सिर्फ 300 रुपये है, 300 रुपये में आप क्या ही लोगे, तो 300 रुपये में इतना ही मिलता है। चलो फिर बाहर चलते हैं, ये है भाई यहाँ का एरिया देख लो, ये इसका इंग्लिश पोर्ट है, ये भी निकाल लेता हूँ, ऐसे गंदा पड़ा है सारा, ये तो टूटा फूटा पड़ा है भाई साहब, देख ये इंग्लिश पोर्ट का एरिया है, बंद कर देते हैं इसे, और इधर लगा है शीशा वगैरह, साबुन वगैरह रखा दे, कूड़ा ज़्यादा फैला हुआ है। तो भाई इंडियन रेलवेज में ऐसा ही होता है, स्लीपर क्लास नॉर्मल जो होती है ना वो कभी नहीं बदल सकती यहाँ पर, ये फैक्ट है। ये देख लो इसमें कागज वागज पड़े हैं, क्या क्या पड़ा है, पूरा गंद मचा रखा अगर देखा जाए ना, तो 300 रुपये में तो यही मिलेगा। ये देख लो ऐसी है, प्लास्टिक वगैरह पड़ी है यहाँ अंदर पूरी ट्रेन है ये। अभी तो अंधेरा हो रहा है, तो सुबह दिखाऊँगा या फिर जब यहाँ चांदना हो जाएगा तब दिखाऊँगा। तो भाई ये है डूंगरगढ़ करके कोई रेलवे स्टेशन है, श्री डूंगरगढ़ छोटा सा स्टेशन है, यहाँ रुकी है, यहाँ बहुत पब्लिक उतरी है भाई साहब। अगर देखा जाए चाय वाई की दुकान है सामने, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुके, 7:43 हो चुके, 1.5 घंटा लेट है हमारी ट्रेन, क्योंकि भाई साहब फॉग बहुत है ना, इस वजह से लेट चल रही है। और इधर देख लो भाई, अब यहाँ से चलेगी हमारी ट्रेन आगे की तरफ। तो भाई ये डूंगरगढ़ जो स्टेशन था यहाँ से चल गई है अपनी ट्रेन। तो भाई ये कोई स्टेशन है सूरसर, यहाँ अपनी ट्रेन अभी रुकी है और 2 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ, फिर इसके बाद एक स्टेशन हो रहा है, फिर आएगा बीकानेर। तो भाई अभी सुबह हुई है और ये है यहाँ का स्लीपर क्लास जो है, पहले मैं थर्ड एसी सेकंड एसी में ट्रेवल करता था, बट इस बार हमने सोचा कि ज़्यादा दूर का सफ़र है नहीं, 7 घंटे का है तो पैसा बचा रहे, तो ये स्लीपर क्लास देख लो भाई, चार्जिंग वार्जिंग का सब कुछ लगा हुआ है और थर्ड एसी की तरह है, मतलब एक तरीके से 3 सीट होती है एक साइड में, जैसे थर्ड एसी में होती है ना ऐसे। और फ़र्श की बात करें, फ़र्श भी अगर देखें ठीक ठाक है, मतलब साफ़ है, थोड़ी बहुत गंदगी, और देखो स्लीपर क्लास 300 रुपये टिकट, तो भाई इतना तो होगा ही, तो ये तो है ही। बाकी मैं तो लेटा हुआ अभी ठंड, बस एक चीज़ है भाई साहब, सर्दियों में अगर स्लीपर क्लास में आओ तो याद रखना रजाई वगैरह लेके आना, लोग भाग में रजाई लेके आए, ये चार्ज
चार्जिंग पोर्ट लगा, ऊपर शीशा लगा है जैसे थर्ड एसी में होता है, उस सेम उसी तरीके से। ये देखो ये चार्जिंग का, ये चार्जर अभी मैंने लगा रखा है यहाँ पर। ये देख लो भाई, अब खड़े होकर दिखा रहा हूँ, ये पूरा कैबिन है, मतलब कोच है पूरा। ये भाई बैठा इधर, ये भी ट्रेवल ही कर रहे हैं वैसे तो, और ज़्यादा तेज मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि लोग बाग सो रखे हैं। और ये वैसी राजस्थान की ट्रेन है, पता चले मेरे को ही कोई सुनाने लग गया। और फ्रेश वगैरह साफ़ है। इधर एक चीज़ बता दूँ आपको, बिल्कुल भी वो नहीं देंगे, क्या बोलते हैं जैसे थर्ड एसी में देते हैं ना ओढ़ने के लिए चद्दर वगैरह, वो बिल्कुल नहीं देते यहाँ, क्योंकि 300 रुपये में क्या ही देगी रेलवे। और 300 रुपये में वाली ट्रेन आपको पता है भाई साहब, वॉशरूम वगैरह दिखाई दिया कितना गंदा रहता है ये वाला। ये भाई बीकानेर आउटर, ईस्ट बीकानेर ट्रेन 1 घंटा 49 मिनट लेट थी, और यहाँ से अब निकलेंगे अपना उतर के नोखा की तरफ। भाई आ गए बीकानेर भाई, वो उठा के लाओ। ये दे दो मेरे को, जाओ। ये है भाई बीकानेर रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ अच्छी खासी हो रखी है यहाँ पर, और स्टेशन तो ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारा सामान आ गया, इसमें बहुत कीमती सामान है। आ जाओ भाई, कहाँ को जाना भाई साहब, कहाँ को जाना है, हमने कहाँ को जाना है। अब ये है भाई बीकानेर रेलवे स्टेशन, ये अपनी ट्रेन लग चुकी है यहाँ, और यहाँ से निकलेंगे बाहर की तरफ। जितना भी होगा जैसा भी होगा सारा दिखाता हूँ, और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि अभी हमने एक ट्रेन या एक बस और लेनी है नोखा तक जाने के लिए। हाँ और क्या, ये आ गया मेन स्टेशन बीकानेर का, और यहाँ से अभी हम देखते हैं कि हमें जाना तो नोखा है, तो नोखा के लिए ट्रेन तो अभी मिलेगी नहीं कोई, तो अपन जाएंगे बस वगैरह से कुछ लेके। ये पूरा स्टेशन है प्लेटफॉर्म नंबर 6, अपन निकलेंगे 1 से बाहर होके। ये देखो भाई यहाँ से हम निकले बाहर, ये प्लेटफॉर्म है, और कितना प्यारा कितना खूबसूरत बना रखा है नी, पेंटिंग वगैरह बहुत सही है भाई। तो चलते हैं यहाँ से बाहर। वो बैस की आँख, ये क्या है भाई साहब, हमारे स्वागत के लिए देखो। हाँ हमारे स्वागत के लिए टेंट लगा रखा है। ये है बीकानेर जंक्शन, और यहाँ से लेते हैं कुछ फोटो वगैरह लेंगे या कुछ तो देखेंगे ही, और फिर निकलेंगे बाहर की तरफ। तो भाई ये आ गया अपन स्टेशन के बाहर, दारू की दुकान सामने बंद पड़ी है, देसी है, देसी ठर्रा, देसी ठर्रा मौसमी मसाला। चलो भाई चलो, जसवंत भवन नहीं पता भाई, वो लिखा ना जसवंत भवन, होटल जसवंत भवन। तो भाई ये था हमारा दिल्ली से बीकानेर का सफ़र, ट्रेन हमने आपको दिखाई थी, ट्रेन का जैसा भी सफ़र था ठीक ठाक था, बट एक चीज़ है कि सर्दियों में हल्के मत लेना स्लीपर क्लास को, रात को हवा चलती है स्लीपर क्लास के अंदर, तो इससे थोड़ा बच के रहना। बाकी ट्रेन ओके थी, टिकट 300 रुपये थी दिल्ली से, दिल्ली कैंट से, अगर सराय रोहिला से करते तो 300-350-400 के आसपास पड़ती, बाकी ठीक था सफ़र, ओके था। तो इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।